बिल्कुल सही बात है अभिषेक, मैं इस बात से सहमत हूँ। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि भारत सरकार के लिए उतना आसान नहीं है काला धन लाना। अगर उतना आसान होता तो एनडीए की 6 साल की सरकार थी, उस दौरान भी एनडीए ला सकती थी। यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है, बहुत सारे कन्वेंशन है, जेनेवा कन्वेंशन है, फिर आपके वियना कन्वेंशन है, तमाम तरह के कन्वेंशन में सीधा सीधा एक प्रावधान है ब्लैक मनी को लेके। उसके साथ साथ इंटरनेशनल जुरिसप्रूडेंस का जो थियोरीज है ब्लैक मनी को लेके वो भी बहुत क्लियर कट है। और फिर इसके साथ साथ तमाम तरह के बायोलेट्रल और इंटरनेशनल ट्रीटीज है, भारत इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। मैं समझता हूँ कि काला धन तो आना चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी आपत्ति होगा इस चीज पे। और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए काला धन को लेके। और कौन नहीं चाहेगा कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, काला धन वापस आए जो भारत के संपत्ति है। पर यहाँ पे ये तभी हो सकता है जब स्विट्जरलैंड सरकार के साथ गंभीर रूप से चर्चा हो और किसी तरह का ट्रीटी साइन हो। जब तक ट्रीटी साइन नहीं होता है ये चीज नामुमकिन है। दूसरी बात, यहां पे मैं स्विट्जरलैंड स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण मैं देना चाहूंगा। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बहुत क्लियर है इस चीज को लेके, और क्योंकि वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है स्विट्जरलैंड पे, तो वहां का जो कानून है वो अलग तरह का है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के तरह नहीं है वहां के कानून। और वहां पे स्विट्जरलैंड के जो बैंकिंग लॉज है वो बैंकिंग लॉज भी बहुत क्लियर कट है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है बैंकिंग लॉज वहां का। स्विस का जो बैंकिंग का जो इकोनॉमिक है या फिर बैंकिंग का जो बिजनेस है वो पूरा डिपेंडेंट है फॉरेन मनी पे। चीन ने बहुत बार कोशिश किया, जापान ने कोशिश किया, रूस ने कोशिश किया, ब्राजील ने कोशिश किया काला धन वापस लाने के लिए स्विट्जरलैंड से, किसी को भी वो अच्छा सलूशन नहीं मिला या फिर ना ही वो लोग कुछ कर पाए उस चीज पे। हाँ, केवल दो देश को छोड़कर जर्मनी और यूएस, और उसका मैंने प्रावधान बताया कि किस वजह से वो लोग सक्षम हो पाए इस चीज पे। मैं समझता हूं कि ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है और इस पे स्टेप बाय स्टेप वे में लीगली इंटरनेशनली फॉलोइंग द इंटरनेशनल प्रोटोकॉल उस हिसाब से हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होगा और कोशिश और प्रयास होनी चाहिए कि काला धन वापस आए। बहुत जरूरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मतलब इंटरनेशनल एंगल है जिस चीज को मैं समझता हूँ कि सरकार को समझाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और शायद सरकार समझा नहीं पाई, शायद नहीं समझा पाई। आप, हम इस पर चर्चा कर रहे थे राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि शायद ये कारण है कि जनता ही जानना चाहती है कि चलिए ठीक है, आप काले धन के मुद्दे को आगे उठा भी रहे हैं, आप हमारे लिए इतना कर दीजिए कि आप उन लोगों के नाम ही बता दीजिए जिनका धन वहां पर जमा है, सरकार फिर भी नहीं बोल पाती है। मैं वही आपसे बोल रहा था, मैं अभी ब्रेक में आपसे वही बता रहा था जी, कि जो डॉक्टर दत्ता साहब बता रहे हैं वो सच्चाई का पार्ट वन हो सकता है जी। ये इस बात में टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, हो सकता है उनकी बातें सही हो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रीटी होनी चाहिए। काला धन बात को, काले धन को अपने देश में लाने की है, और लाने की प्रक्रिया कब शुरू होगी, जब आपके पास लिस्ट हो। ठीक है, आपके टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, लीगल प्रॉब्लम्स है, ट्रीटी नहीं है, 50 वो है, आपके पास लिस्ट तो है कि किसका किसका पैसा है, आप उसको बताने से क्यों डर रहे हैं? देश की जनता को ये जानने का हक है कि हमारे देश के कौन कौन वो महापुरुष है जिनका पैसा वहां रहा है। अगर शायद मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस इतनी भी बता देती, अगर इतनी भी ईमानदारी दिखाती कि खाली बता दे भैया इनका इनका पैसा है, हमारी ये टेक्निकल मजबूरी है, हमारी लीगल मजबूरी है, हम इस पर काम कर रहे हैं, बोले सीरियस बात काम करने की जरूरत। सीरियस क्या काम करेगी जो लिस्ट नहीं बता रही है, सीरियस काम क्या करेगी? पैसा इनका है, कैसे बताएंगे किसी को? बिल्कुल। और शायद यही हम आपके माध्यम से मांग भी करना चाहते हैं कि तत्काल प्रधानमंत्री यूपीए सरकार देश में के किन किन महापुरुषों का पैसा विदेशों में लगा हुआ है वो लिस्ट जारी करें, और अगर लिस्ट जारी नहीं करते हैं तो हम ये मानते हैं कि इसमें 99% से ज्यादा इस सरकार के लोगों का, चाहे पीछे का, चाहे आगे का, चाहे साथ वालों का पैसा हुआ है, इसलिए सरकार डर रही है और इस डर को छिपाने के लिए बौखलाहट में ऐसी कार्रवाई कर रही है। शायद ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और ये बात राजीव जी बोलना चाहेंगे जी, जी डॉक्टर दत्ता की बात को आगे बढ़ाते हुए कि अगर किसी कारण से, ये हमारा अपना अनुरोध है कि अगर किसी कारण से भारत सरकार का, क्योंकि भारत सरकार एक संप्रभु राष्ट्र है, हमारा अपना संविधान है, हम कानून बनाने में सक्षम हैं, हम कानून बना सकते हैं, हम उसका पालन करा सकते हैं, अगर किसी कारणवश हमारे किसी भी विदेश से विदेशी समझौता नहीं हो सकता है, एग्रीमेंट नहीं है जी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने देश का पैसा लुटता हुआ देखते रहेंगे जी? नहीं, निश्चित तौर पे नहीं। सरकार चिंतित है, सरकार ने इस पे गंभीरता से विचार किया है, और इसलिए बिना किसी आंदोलन के
आप ध्यान दीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस मुद्दा नहीं है जी जी, ये सरकार का मुद्दा है। यूपीए में बहुत सारे घटक दल हैं और सबकी एक साथ सहमति है इस घटक दल की कि हम इस पे विचार कर रहे हैं, हमने आपको बिना आंदोलन के आपकी सारी बातें मान ली। जी अभिषेक जी, जी, जी सरकार से बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, सरकार सहमत है, सरकार ने सरकार में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि 100 दिन के अंदर हम लेकर आएंगे। 100 दिन क्या, सालों बीत गए और सालों बीत गए और हम बहुत सीरियस है, हम लिख कर बिना आंदोलन के तैयार हैं। नौबत क्यों आती? बिल्कुल, इससे जुड़ा एक बहुत बहुत अहम सवाल है जो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि दुनिया भर का काला धन स्विस बैंकों में जमा है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही स्विट्जरलैंड ऐसे देश के तौर पर उभरा जहां बैंकों की खेती होती थी। यहां किसी से पैसों के बारे में जानकारी नहीं मांगी जाती थी। ये तब राष्ट्रों के बीच में था, लेकिन धीरे धीरे ये लोगों के बीच तक पहुंचा और अब ऐसे देश दुनिया के बड़े बड़े देशों की धड़कन बढ़ा रहे हैं। स्विट्जरलैंड का यूबीएस बैंक दुनिया का सबसे बड़ा निजी बैंक है। यूबीएस के अलावा कई और स्विस बैंक हैं जिनके पास पूरी दुनिया के अमीर खाते खुलवाते हैं। इनमें नौकरशाह शामिल हैं, राजनेता शामिल हैं, उद्योगपति शामिल हैं, फिल्मी सितारे शामिल हैं और यहाँ तक कि गैंगस्टर, आतंकवादी और माओवादी भी शामिल हैं। वजह क्या है जो पूरी दुनिया काला धन लेकर स्विस बैंक की तरफ भागती है? वजह नंबर एक, खाते की गोपनीयता। ये सबसे बड़ी वजह है। स्विस बैंक में हर खाते को गोपनीय रखा जाता है, किसी से भी पैसे के सोर्स के बारे में नहीं पूछा जाता। कोई भी किसी के नाम से भी खाता खुलवा सकता है, उसे बस अपने अकाउंट का पासवर्ड याद रखना होता है। यहाँ तक कि घर बैठे अकाउंट ऑनलाइन खुलवाने की सुविधा दी जाती है और खाते की सुरक्षा का इतना ख्याल रखा जाता है कि बायोमेट्रिक पासवर्ड्स को न्यूक्लियर प्रूफ शेल्टर्स में रखा जाता है। वजह नंबर दो, स्विस सरकार का साथ। इस काम में स्विस सरकार भी पूरी मदद करती है। स्विट्जरलैंड में पैसा जमा कराने वाले विदेशियों को खास सहूलियतें मिलती हैं। कानून और नीतियों से उनकी गोपनीयता को सुनिश्चित किया जाता है। अगर कोई खाता धारक किसी देश से स्विट्जरलैंड जाता है तो उसके पासपोर्ट पर कोई मुहर नहीं लगाई जाती, यानी उसकी यात्रा तक को गोपनीय रखा जाता है। स्विट्जरलैंड की जीडीपी का 11% बैंकिंग सेक्टर से आता है, लिहाजा वहाँ की सरकार पूरी तरह से इस सेक्टर को संरक्षण देती है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के भी 52,000 लोगों का काला पैसा स्विस बैंक में जमा है और लगातार दबाव के बावजूद स्विस गवर्नमेंट ने महज 250 अकाउंट्स की ही जानकारी अमेरिका को सौंपी। वजह नंबर तीन, कहीं भी कभी भी। स्विस बैंक में खाते में कहीं से भी और कभी भी पैसा जमा कराया जा सकता है। इसके लिए तमाम रास्ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए, हवाला के जरिए, खुद के जरिए, कोरियर के जरिए और यहाँ तक कि क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के जरिए भी पैसे मुहैया करा दिए जाते हैं। पैसों के लेन देन के दौरान बैंक न तो वजह पूछता है और न ही किसी की पहचान। यही वजह है कि आतंकियों, माओवादियों और गैंगस्टरों के लिए हथियार खरीदना आसान हो जाता है। वजह नंबर चार, कोई टैक्स नहीं। ये वो पैसा होता है जिसे खाताधारक को कहीं भी कागजात में दिखाने की जरूरत नहीं होती। कहने का मतलब, इन पैसों पर किसी भी तरह का कर नहीं लगता और ना ही स्विस बैंक के अकाउंट में किसी तरह के लेन देन पर भी टैक्स लगता हो। वजह नंबर पांच, पैसों की पूरी सुरक्षा। स्विस बैंक में जिसके पास खाता है उसका पैसा दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर है। इस पैसे तक मुल्क की सरकारों का भी दखल नहीं हो सकता और इस सुरक्षा के लिए लोग अपने पैसे पर बैंक से इंटरेस्ट लेते नहीं बल्कि बैंक को इंटरेस्ट देते हैं। बैंकिंग की भाषा में इसे नेगेटिव इंटरेस्ट कहते हैं, जो 0.5% से लेकर 1.5% तक होता है। यही वजह है जिनके चलते भारत के करीब 80,000 लोगों के खाते स्विस बैंक में हैं और इनमें से 25,000 लोग ऐसे हैं जो अक्सर स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रहते हैं। अगर इन 25,000 लोगों की पहचान ही कर ली जाए तो भारत इतनी ब्लैक मनी तो वापस ला ही सकता है जो देश का कर्ज चुका सके। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज।
और यहां पर हम एक और छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे चर्चा आगे रहेगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें हमारे साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विशिष्ट अतिथि जुड़े हैं, सुरजीत दास गुप्ता जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। सुरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। चलिए फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ एक और बहुत विशिष्ट अतिथि अभी कुछ देर में जुड़ेंगे, सुरजीत दास गुप्ता जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरजीत जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन से, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरजीत जी स्टूडियो में बातचीत के लिए। आपसे ही अगला सवाल हम जानना चाहेंगे, हम बहुत देर से इस पर चर्चा कर रहे हैं और यही जानने की कोशिश की जा रही है कि एक आंदोलन जिसे एक शायद उसके पीछे जो सोच थी वो अच्छी थी, उसके पीछे जो कारण दिए गए थे वो अच्छे थे, लेकिन जिस तरह से वो आगे बढ़ा है अभी तक बहुत बिखरा हुआ लगता है। आपकी राय जानना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि जुड़ा हुआ एक आंदोलन होना चाहिए था, इस वक्त बहुत ज्यादा बिखर गया है, बहुत बहुत सारे मतभेद आ गए हैं? जी, इसमें एक अच्छी बात तो ये हुई है कि अब इसका स्वरूप जो है वो एक जन आंदोलन का है, तो ऐसी स्थिति में किसी के अंदर हो जाने से, किसी के गिरफ्तार हो जाने से आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला जी। इसे आप भले ही कुछ दिन पहले तक आप कह रहे थे कि ये भारत स्वाभिमान द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन है, और उससे पहले हमने देखा कि अन्ना हजारे की टीम लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल की मांग कर रही थी, तो ऐसे अलग अलग चेहरे उभर के आते रहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी जनता जागरूक हो चुकी है, तो अब व्यक्ति विशेष की बात नहीं है या किसी दल विशेष की बात नहीं है, किसी खास एनजीओ की बात नहीं है। सरकार भले ही किसी को भी गिरफ्तार कर ले, आए दिन कोई ना कोई नया चेहरा उभर के आएगा और इस मुहिम को आगे बढ़ा ले जाएगा जी। लेकिन इसमें मैंने जो देखा है पिछले कई महीनों से जो मीडिया कवरेज हो रहा है, इसमें कुछ जो अंतर्निहित बातें हैं जो हैं, जो बैक स्टेज क्या हो रहा है, इस पर कोई खास रोशनी नहीं पड़ी है जी। तो मेरे ख्याल से समकालीन इतिहास जो है उस पर थोड़ी चर्चा की जाए तो अच्छा है जी। कि पिछले कुछ महीनों में एक तो बार बार दो आंदोलनों के बीच तुलना की जा रही है, एक अन्ना हजारे का आंदोलन और एक बाबा रामदेव का आंदोलन, हालांकि दोनों जन आंदोलन है जी। अब एक मुद्दा इसमें यह आता है कि जो शहरी लोग हैं जिन्होंने भाग लिया अन्ना हजारे के आंदोलन में, उनको शायद किसी तरह से अच्छा नहीं लग रहा है कि छोटे छोटे नगरों के और गांव से लोग भारी संख्या में आए हैं, ये हिंदी में बात करते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में बात करते हैं, अंग्रेजी में बात नहीं करते जी। और अन्ना हजारे की तरह स्टेज पर कोई गिटार पे कोई पॉप सॉन्ग नहीं गा रहा है, और ये जो बिल्कुल अलग सा एक माहौल है, बहुतों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, और मैनेजमेंट की कमी भी दिखी कहीं ना कहीं। अब जैसे लोग कह रहे हैं कि सरकार ने चालाकी की और बाबा को लपेटे में ले लिया, अब ये तो जाहिर सी बात थी, इनको पता होना चाहिए था कि सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश होगी कि आंदोलन को ध्वस्त कर दिया जाए जी। जी, तो इसके लिए कंटिंजेंसी प्लान क्या था, सेकंड लाइन ऑफ कमांड क्या था जी, इसकी तैयारी भारत स्वाभिमान ने की क्यों नहीं, तो इस पर चर्चा हो सकती है जी। और मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा जी। सुरजीत जी, हम जरूर इस चर्चा को पीछे भी लेकर जाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बार इस पर राय मैं प्रेम जी की जाना चाहूंगा। प्रेम जी, आपको लगता है कि ये जो बात सुरजीत जी कह रहे हैं, आप सहमत हैं इससे कि कंपैरिजन की बात यहां पर आई है कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वहां पर कोई पॉप सॉन्ग आ रहा था बैठकर और यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तो इस कारण लोगों को आपत्ति हो गई? नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं और दोनों ही गंभीर विषय हैं। इसमें मैं नहीं समझता कि गिटार जैसी या एम्बियंस जैसी किसी भी चीज के लिए कोई स्थान रहा होगा जी।
बहरहाल मैं एक चीज देख रहा हूं कि इस दोनों के अंदर में एक चीज जो बहुत कॉमन है वो है कि आम जनता की भावना के साथ में खेलना, ये हो रहा है। और दोनों ही जो नेता हैं, अन्ना हजारे हों चाहे बाबा रामदेव हों, ये दोनों के साथ में कहीं ना कहीं अगर आप इसको गहराई से इसका आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि जनता की भावना के साथ में खेला जा रहा है। बाबा रामदेव हठ योग करते करते इतने हठी हो गए हैं कि उनको अपनी बात मनवाने का इतना शौक है कि उसके लिए वो कोई रास्ता देखते ही नहीं है। मुझे ही नहीं समझ में आता कि ये बाबा हट है कि बाल हट है, मतलब बाबा बाल हट जैसी बातें करते हैं और आम जनता की भावना, जो कि हम इससे बड़ा क्राइम दूसरा कि जब हम जनता की भावना के साथ में खेलना शुरू कर जी आज जनता लोगों जनता मैंने माना कि हमारे सिस्टम के अंदर में सभी पॉलिटिशियंस बिल्कुल नाक पाक साफ नहीं होंगे जी। पर अगर जो नहीं है उनका अंजाम भी सामने आ रहा है। आज तिहाड़ के अंदर में आप देख लीजिए, जिन्होंने गलतियां की हैं वो सिस्टम उनको वहां पे पहुंचा भी रहा है और बाकियों के लिए कार्यवाही भी हो रही है जी। लेकिन प्रेम जी ये भी बहुत एक दुखद बात है कि शायद लोगों का अपने पॉलिटिकल सिस्टम पे से या शायद कहा जाए अपने जो हमारे जो नेता हैं उन पर से इतना विश्वास उठ गया, तभी उन्हें शायद आज एक आंदोलन की जरूरत पड़ रही है कि अपने प्रतिनिधियों को जिनको आपने चुन के भेजा वो कुछ कर नहीं पाया। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा जी कि बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जैसे लोगों को पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए, उनको इतना मजबूत करना चाहिए कि वो एक मजबूत सरकार चुने। देखिए आज जो सरकार आती है वो हम ही लोग चुनते हैं बिल्कुल, पर इसमें हमारे चुनने के अंदर में हमारी सिलेक्शन कहीं ना कहीं रॉन्ग होती है। हम जाति के आधार पर चुन लेते हैं, हम धर्म के आधार पर चुन लेते हैं जी। हम उनका बैकग्राउंड नहीं जानते हैं तो भी हम किसी के कहने के ऊपर में उनको चुन लेते हैं जी। तो ये जो बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जैसे बुद्धिजीवी जो लोग हैं, इन हालांकि मैं बाबा रामदेव को तो बुद्धिजीवी नहीं बोलूंगा, अन्ना हजारे को मैं जरूर बुद्धिजीवी बोलूंगा जी, इन लोगों को और बाबा रामदेव को अपने योग के माध्यम से लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि कैसे वो अच्छी सरकार चुने और कैसे वो अच्छे लोगों को सामने लेकर आए। बिल्कुल प्रेम जी, बिल्कुल आपने सही कहा, आपकी राय जानना चाहूंगा इस पर आम आदमी क्या सोचे, वो बरगलाने से बच पाए तब तो वो इसके बारे में सोच पाए। इस वक्त काले धन या किसी भी ब्लैक मनी पे या भ्रष्टाचार पे किसी भी पार्टी का कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिस पे जनता विश्वास कर सकती है, जिसके ऊपर 100% फेथ किया जा सके कि नहीं ये जो बोल रहे हैं ये सिर्फ बोल रहे हैं और अच्छी बातें हैं ये उस पे कायम रहेंगे। कहीं ना कहीं उनकी अपनी पॉलिटिकल एक मजबूरी है जिसके लेकिन प्रेम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो गलत लोग हैं जो पकड़ में आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, शक के आधार पे अनुमान के आधार पे कभी भी कानूनी कार्रवाई या किसी जनप्रतिनिधि को जो जनता से चुना गया हो जो लोकतंत्र में आया हो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है जी। केवल हमें शक है कि आप गलत हैं और आपको हम सजा दे दें ये कोई आधार नहीं है नंबर एक जी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो हम कहना चाह रहे हैं इस वक्त बहुत अच्छी बात कही प्रेम जी ने कि आज जनता को ये महसूस हो रहा है अन्ना हजारे साहब और बाबा रामदेव जी ने जो आंदोलन चलाया कि एकदम से अभी कुछ हो जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत और भ्रमित करने वाली बात है जी, कि कानून बनाने की एक प्रक्रिया है जी, जिसका पालन होना चाहिए, आपके जनप्रतिनिधियों की उसमें हिस्सेदारी होगी, तमाम बातों पर विचार किया जाएगा। एक गलत सर्जरी एक आदमी को मार सकती है और एक गलत कानून पूरे के पूरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचा सकता है। राजीव जी आपकी राय। देखिए मैं राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता होने के बावजूद बड़ी बेबाकी से इस बात को स्वीकार करना चाहूंगा और बड़ी ईमानदारी के साथ स्वीकार करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सारे राजनीतिक पार्टियों का है, राजनीतिक नेताओं का है। प्रेम जी का ये बोलना कि उनके भावना